हेलो दोस्तों, जीमेल ट्रेनिंग की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आप अपने जीमेल की थीम और अपने इनबॉक्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। जब भी आप जीमेल की कुछ सेटिंग में चेंज करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग गियर ऑप्शन सर्च करना होगा, जो आप देख सकते हैं राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे सेटिंग गियर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख जाएगा, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है डेंसिटी से रिलेटेड है, जिसमें आपको तीन टाइप के डेंसिटी है, कंफर्टेबल, कॉजी एंड कॉम्पैक्ट। अपने रिकॉर्डिंग आप किसी भी डेंसिटी का यूज कर सकते हैं। करंटली जो है ये कंफर्टेबल व्यू है, जिसमें आप सारे इनबॉक्स के मैसेजेस को आसानी से कंफर्टेबल व्यू में पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। चलिए चेंज करते हैं कोजी में। कोजी जब आप करेंगे तो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा आपके सारे मेन्यूज। आप जैसा कि देख रहे हैं, सबकी जो हाइट है वो श्रिंक हो गई है, आप लेबल्स की भी हाइट श्रिंक हो गई है। जैसे ही आप डेंसिटी को चेंज करेंगे कॉम्पैक्ट में तो थोड़ा से और श्रिंक हो जाएगा, और लेबल देख रहे हैं जैसे श्रिंक होता है तो लेबल कुछ और ज्यादा यहाँ दिखने लगे हैं। सो सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल होता है वो कंफर्टेबल डेंसिटी होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका लुक एंड फील भी काफी ज्यादा अच्छा है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं थीम्स की तरफ। जैसे कि आप अभी बैकग्राउंड देख रहे हैं, सिंपल एंड सोबर लाइट गूगल का जीमेल का बैकग्राउंड में यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ से किसी भी बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं आप ये यूज कर सकते हैं। जो भी आपको थीम यूज करना है उस थीम को सेलेक्ट करिए एंड देन सेव बटन पे क्लिक कीजिए। अभी भी आप देख रहे हैं आसानी से पढ़ सकते हैं आपके जो ईमेल्स हैं इनबॉक्स में पड़े हुए, क्या लेबल्स हैं कॉर्नर पे, वो सारी आप चीजें देख सकती हैं। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आप किसी भी थीम को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अपने पिक्चर को भी आप अपलोड कर सकते हैं एज अ थीम, तो आपको यहाँ थीम पे क्लिक करना होगा। अगर आपको कुछ अपने फोटोज डालने हैं तो माई फोटोज पे क्लिक करके देन यहाँ पे सारे आप अपने फोटोज देख सकते हैं, कुछ अपलोड कर सकते हैं यहाँ से अपलोड एंड फोटो पे क्लिक करके, एंड जो भी फोटो आपने अपलोड किया है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देख रहे हैं सेवरल डिफरेंट थीम्स अवेलेबल हैं, आपको सारे फ्री हैं, आप कोई भी एक थीम यूज कर सकते हैं जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ से आप मोर इमेजेस पे भी क्लिक करके सारे देख सकते हैं, एंड देन अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, सिंपल भी आपके लिए बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप इनमें से सिंपल भी कोई यूज कर सकते हैं। जो मेन जो थीम है जो जीमेल यूज करता है वो है जीमेल लाइट थीम, तो चलिए लाइट को सेलेक्ट करते हैं जो बहुत ही सिंपल एंड सोबर है, एंड सेव बटन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से अपने जीमेल के लिए जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट कॉन्फ़िगर करते हैं इनबॉक्स को। अभी जो आप इनबॉक्स देख रहे हैं वो डिफॉल्ट है, जिसमें प्राइमरी सेक्शन पे फोकस किया जाता है और दो अलग से टैब होते हैं सोशल एंड प्रमोशनल। इन टैब्स में आपको बता चुका हूँ कि सोशल में सोशल मीडिया से रिलेटेड एंड प्रमोशन एंड प्रमोशनल मैसेजेस आते हैं सारे। प्राइमरी में जो मेन होते हैं ईमेल्स वो आते हैं। मूव करते हैं। अब जब भी आप अपने इस इनबॉक्स को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग जो है सेटिंग गियर के अंदर अवेलेबल है, देन उसके बाद आपको यहाँ इनबॉक्स पे क्लिक करना होगा। और पहले ही ऑप्शन आप देख रहे हैं इनबॉक्स टाइप, करंट जो इनबॉक्स टाइप है वो है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशन ये तीनों सेलेक्टेड है, इसलिए तीन टैब वहाँ आ रहे हैं और जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के मैसेज दिख जाते हैं। अब दूसरा क्या है इनबॉक्स टाइप, वो है इंपॉर्टेंट फर्स्ट। इंपॉर्टेंट फर्स्ट में क्या होता है, जब भी आप इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके जो भी मैसेज जो भी एज अ इम्पॉर्टेंट मार्क हुए होंगे वो सारे टॉप पर आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ सिर्फ दो सेक्शन है, इम्पॉर्टेंट एंड एवरीथिंग एल्स। एवरीथिंग एल्स में क्या होगा, सारे के सारे मैसेज जो इम्पॉर्टेंट नहीं है वो दिखेंगे। इम्पॉर्टेंट में आप यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी दिख रहा है, ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं कितने आइटम्स आपको देखना है इम्पॉर्टेंट के सेक्शन में, और कितने जो है इसी तरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं एवरीथिंग एल्स में। चलिए इम्पॉर्टेंट में मैं दिखाता हूँ टॉप फाइव इम्पॉर्टेंट मैसेजेस जो मैं यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हाइड सेक्शन व्हेन एम्प्टी, यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, जब आप इसे सेलेक्ट कर देंगे तो ये सेक्शन एम्प्टी हो जाएगा, मीन्स इंपॉर्टेंट के अंदर कुछ भी नहीं आएगा अगर उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट मेल नहीं पड़े हुए हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं इससे क्या कन्फिगर होता है, क्या इनबॉक्स में चेंजेस होता है। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है टॉप फाइव जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं यहाँ टॉप पे आ रहे हैं, बाकी एवरीथिंग एल्स में सारे सोशल प्रमोशनल सारे टाइप के मैसेजेस जो हैं यहाँ एवरीथिंग एल्स में दिख जा रहे हैं। तो ये तो था इम्पॉर्टेंट फर्स्ट। चलिए चूज करते हैं सेकेंड इनबॉक्स को, देखते हैं क्या है। अब जो अगला इनबॉक्स है अनरीड फर्स्ट, इसमें क्या होगा कि सारे जो मैसेजेस जो भी मैसेज आपने अब तक नहीं पढ़े हैं वो सारे जो है टॉप पे आ जाएंगे। इसी तरह इसमें भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड शेयर स्टार्ट फर्स्ट, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो कुछ मैसेज होते हैं जिसे आपने स्टार्ट किया है वो सारे इसमें आ जाएंगे, स्टार्ट में पहले दिखेंगे, एंड एवरीथिंग एल्स में सेम जैसे आपका जो है इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वाला था वही कॉन्सेप्ट है एवरीथिंग एल्स का। अब जो लास्ट है फाइनल जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में क्या होता है कि जैसे आपने देखा चार तरह की प्रायोरिटीज आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है इम्पॉर्टेंट एंड अनरीड, इसमें क्या होता है कि वही इम्पॉर्टेंट और जो अनरीड मैसेज है वो दिख जाएंगे। यहाँ से आपने जो ऑप्शन में चूज किया होगा 5 आइटम्स 10 आइटम्स जितने आइटम दिखाने हैं वो चूज कर सकते हैं।
इसी तरह इसमें भी हाइड सेक्शन वन एम्प्टी है, इसको आप चूज कर सकते हैं, जब भी कुछ नहीं होगा वो एम्प्टी शो होगा। देन उसके बाद स्टार्ट मैसेज दिखेंगे, जो भी होंगे टॉप के जो इंपॉर्टेंट फाइव जो है स्टार्ट मैसेज वो दिखेंगे। एम्प्टी में क्या है, यहाँ पे आप अपना सेक्शन खुद का जो आप सेक्शन है वो ऐड कर सकते हैं, कोई भी जैसे इंपॉर्टेंट का हो गया या कोई और सेक्शन हो गया, मोर ऑप्शन में जा करके किसी भी आप लेबल को चूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कुछ गो रेडी के, उसको चूज कर लिया। एवरीथिंग एल्स में क्या है, जो आप जानते हैं सारे के सारे एवरीथिंग वाले जो आइटम्स हैं वहां दिख जाएंगे, इसे मैं 50 चूज करता हूँ। एंड देन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, इम्पॉर्टेंट मार्कर, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्कर। जब सो मार्कर आपने किया हुआ है तो ये मार्कर दिखाएगा, जो भी आपके मैसेज होंगे उसके आगे मार्कर दिखाएगा। अगर नो मार्कर करते हैं तो कोई भी मार्कर वहां नहीं दिखाएगा। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ मार्कर भी क्या है। तो सबसे पहले आपको चेंज करना पड़ेगा सेफ चेंजेस के लिए, जैसे आप क्लिक करेंगे प्रायोरिटी जो मैसेज है वो दिख जाएंगे, इंपॉर्टेंट और जो अनरीड मैसेज है वो टॉप पे आ रहे हैं। पहला जो है ये इंपॉर्टेंट भी है और इसमें मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, इसलिए यहाँ ये टॉप पे आ रहे हैं। देन उसके बाद जो भी मैंने स्टार्ट की है, देख रहे हैं आप यहाँ पे मार्कर्स, इसे कहते हैं मार्कर्स, इसे अगर रिमूव कर दिया एंड देन फिर ऐड कर दिया, ये होते हैं मार्कर्स। जैसे मैं इसे कर रहा हूँ ये लिख रहा है द कन्वर्सेशन हैज बीन मार्क्ड, सो ये होता है मार्कर का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद स्टार्ट के बाद जो है ऑल गोरी, जो मैंने लेवल चुना है गोरेडी फोल्डर को जो चुना है उसके सारे मैसेजेस यहाँ आ रहे हैं। एवरीथिंग एल्स में जो है सारे एवरीथिंग रिलेटेड टू कोई भी जो है इनमें से जो भी सेक्शन को फॉलो नहीं करते हैं उनके सारे मैसेज एवरीथिंग एल्स में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से अपने इनबॉक्स को चेंज कर सकते हैं, थीम को चेंज कर सकते हैं और डेंसिटी का यूज करते हैं। सबसे अच्छा मुझे डिफॉल्ट लगता है, इस वजह से मैंने डिफॉल्ट चूज कर लिया। जैसे ही आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे मेरी तरह, सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और फिर से आपका जो इनबॉक्स है पहले की तरह कन्फिगर हो जाएगा, प्राइमरी सोशल एंड प्रमोशन। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, बने रहिए हमारे साथ इस ट्रेनिंग कोर्स में। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें कि वो भी लाभ उठा सके इस फ्री जीमेल ट्रेनिंग कोर्स का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।